इस डाले के अंदर और इस मार्केक्स के अंदर एक चीज कॉमन है, तो मैं दीदार करवा तेज चेक करो अपनी लाल शरारी के लिए फ्रेश बकेट शीट्स देखने कमरे के अंदर देखनी, सारा का सारा गाड़ियों का सामान रखा हुआ है। ये होती है जी कार गैज की जिंदगी। अस्सलामुअलैकुम, एक बार फिर तो टीम फोर के दी तरफों तुहाडी खिदमत च हाजिर ने, और अभी मौजूद अपने ताजमहल में, ताजमहल बोल तो अपने कमरे के अंदर मौजूद है जहाँ पे हम फुल टाइम में पैके चिल करते हैं। और आज आखिरकार वो दिन आ चुका है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। आज हम अपनी लाश शारी को फोर के ग्रास से टाटा बाय बाय करवा के वापस अपने ताजमहल ले आएंगे, क्योंकि उस्ताद जी चंगी भली देर होगी लाश शारी मारे फोर के ग्रास लम्बे पैक के चिल करी। मेरे ख्याल में तकरीबन कोई एक महीना तो हो ही गया, बल्कि एक महीने तो उसकी सिर्फ डेंटिंग और पेंटिंग वाले काम को लगे थे। उसके बाद फिर हमने उसकी वायरिंग शायरिंग करवाई है, बाकी अल्ले काम करवाया, तो आप कह लें मिनिमम कोई दो महीने हो गए उसको वहां पे खड़े हुए। लेकिन जी डोंट टेक टेंशन स्मोक बैसन, आज हम अपनी लाल शरारी को फोर के ग्रास से वापस अपने ताज में ले आएंगे। और वापस आते हुए हमने दो तीन जगहों पे ब्रेक भी मारनी है। पहली ब्रेक हमने जाके मारनी चांद इलेक्ट्रिशियन के पास, उनको जाके कहना कि उस्ताद जी माफी दे दो, इतने अभी सचके भी नहीं चाहिए कि गाड़ी हमारी चाबी के बगैर स्टार्ट और बंद हो रही हो, उसको हमने सेट मेट करवाना। उसके अलावा गाड़ी के जो पिछले दो चाह रहे हैं वो भी नहीं चाह रहे, तो उनको भी हमने चालू करवाना है। दूसरी ब्रेक हमने जाके मारनी लालाजी में फ्रेंड के पास खान किलो के ऊपर, उनको जाके लाल शरारी चेक करवानी है। मौसम की सूरत हाल पे है तो धूप देख के आप लोग मेरे जज्बात को समझ गए होंगे। तो आइए बगैर किसी तरीके जी अबा जी कैचर के विच होते हैं शुं 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 शुं। सबसे पहले खुल जा सिम सिम। अच्छा जी ओए पोस्टिया, ओ हेलो, ओहो नया जी फ्रेश किलस एंट्री फॉर यू, तो ये थोड़ी गड्डी दे विच फॉर यू। लो जी सबसे पहले शशका टाइम फ्रेश पुश स्टार्ट फॉर यू। ये चेक करो जी पेट्रोल की सूरत हाल पे हैं, तो आज उस्ताद जी इस पेट्रोल से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आज हम अपनी मर्जी की तरह परवाज उबर में करेंगे, एचआरवी में नहीं करेंगे। क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि उस्ताद जी आज हमने अपनी लाल शरारी वापस लेके आनी है। अब मैं कल्ला बंदा दो गाड़ियां कैसे वापस लेके आऊं, एचआरवी में सिर्फ इसलिए बैठा हूं ताकि हम अपनी शशका टाइम वाली परंपरा पूरी कर सके। मैं कहा ये ना हो ना करने से कोई अपशगुन हो जाए। आपके भरा ने अपनी राइड बुक करवा ली, हम किस में जाएंगे आज, तो हम रेड मोटर बाइक होंडा के अंदर जाएंगे। उस्ताद जी सीधी तरह सिटी 17 ले सकते थे, ये बाइक के ऊपर मेरे घर से फोर के ग्राज जाने तक उस्ताद जी यहाँ पे हमें 500 देने पड़े हैं। और मेरे ख्याल में उस्ताद जी 500 रुपए बहुत मुनासिब है, इतनी तती तती धूप के अंदर अगला बंदा आ रहा है मुझे यहाँ से चौके फोर के ग्रास उतरने के लिए। यही आप अब्बा जी कैचर में जाए ना, तो आपका आने जाने का तकरीबन कोई 2,000-2,500 लग ही जाता है। तो आइए 500 रुपए में अपनी मजे की तरफ परवाज करते हैं। उस्ताद जी को यहाँ पे मेरे घर का रास्ता नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे उस्ताद जी को ढूंढने निकल पड़ा हूँ। मेरे ख्याल में वो खड़े रहेंगे। यस बारी फिर हम फोर के ग्राज की धरती के ऊपर मौजूद हैं, और आज आपका प्रा फ्रेश 500 रुपए देके फोर के ग्राज की धरती के ऊपर पहुंच चुका है। और आज आपका प्रा फुल टाइम यहाँ पे बजट प्रोग्राम करके आया है। यही अगर हम अब्बा जी कैचर भी पे आते 2,000 का पेट्रोल उसमें लगना था, 2,000 का आके हमें फिर अपनी लाल शरारी में डलवाना पड़ता और हमारा 4,000 में आना जाना होता। लेकिन आज आपका प्रा फ्रेश इन ड्राइवर के ऊपर आया, 500 रुपए देके 1,500 का पेट्रोल डलवाएंगे जी लाल शरारी के अंदर, और आराम से इसको जी आज वापस इसके मैके ले जाएंगे। लाल शरारी हमारी यहाँ पे जी फुल टाइम मट्टी के अंदर लतपत हुई हुई है, लेकिन जी डोंट टेक टेंशन स्मोक बैसन, इसको हम यहाँ से जी फुल टाइम फ्रेश टाकी शाकी मरवा के ही बाहर लेके जाएंगे। लेकिन बाहर लेके जाने से पहले आपके प्रा ने किया जी गाड़ी की डी आई बोल तो डिटेल इंस्पेक्शन, और उसके अंदर हमें एक चीज नजर आई है कि उस्ताद जी मार जो फ्रंट साइड का पुटी साइड का इंडिकेटर है उस्ताद जिसके यहाँ से खत्म हुए हैं, फ्रंट वाला हिस्सा गॉन फॉर यू। तो यहाँ पे ये जो मुस्लिम सिस्टम हुआ है इसको हम खत्म करके यहाँ पे हम करेंगे ब्रिटिश सिस्टम। यहाँ पे जो पूरा हिस्सा है इसको हम वापस लेके आएंगे। अभी हम जा रहे हैं शादीवाल मार्केट, शादीवाल मार्केट जाके देखते हैं कि हमें पूरा का पूरा इंडिकेटर मिल जाता है, तो हम आके अपनी लाल शरारी के अंदर फिट शीट करेंगे। और आज हम कौन सी गाड़ी के अंदर अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करेंगे, तो हमारे सामने यहाँ पे दो ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे शरियार साहब के यहाँ पे माफिया स्टाइल मार्केट मौजूद है, और पीछे आप चेक करते हैं ये जी माजदा का डाला खड़ा हुआ है, मुर्गियां ट्रांसपोर्ट करने वाला माजदा का डाला, आपको चेक करवाऊं तो आप देख सकते हैं बाहर से बिल्कुल फारिग है शहरी किंग के गुड्डों की तरह। इसका जो फ्रंट बोनट है उस्ताद इसको लखवा हुआ है, ये देखें टेढ़ा हुआ है, उधर से नीचे है इधर से ऊपर है, साइड पे है तो आप देख सकते हैं आगे उन्होंने प्राडो की स्टेपनी लगाई हुई है, पीछे लगता है एफएक्स लगाई हुई है। देखें जी पिछले वाली छोटी है अगली वाली बड़ी है, उसके बाद डेंटिंग पेंटिंग के ऊपर है। तो उस्ताद जी देखो थब्बा थब्बा प्रोटीन फॉर यू एंड वावा सारा जंग फॉर यू, ये देखो जी जंग ही जंग फॉर यू। लेकिन आपको एक मजे की चीज बताऊं, तो इस डाले के अंदर और इस मार्केक्स के अंदर एक चीज कॉमन है, क्या चीज कॉमन है, तो उस्ताद जी बोनट चुक दो फ्रेश मार्केट्स का 2500cc 4GR इंजन फॉर यू फुल टाइम जी स्लीपर गाड़ी है ये। ये देखो जी बाहर से आप देखे कहेंगे उस्ताद जी की कचरा है, लेकिन जब आप इसके साथ कोई पंगा छंगा कर गए तो उस्ताद जी आपको ठंडा करके रख देगा। यहाँ पे रैप बैटल होने लगी है हमारे सिद्धे आप यहाँ पे मौजूद है, इसके अंदर उस्ताद जी 3GR है 3000cc वाला इंजन है। चलो उस्ताद तू शुरू कर। उस्ताद जी हैवी, चल हम तू भी कर ले पेट्रोल नहीं डलवा के आया। अच्छा जी उस्ताद जी कम टैड है कुकड़ वाले ट्रक हम वैश्य मारना मारने लगे हैं।
खैर विंडीजर उस्ताद जी पूरी पूरी टेल मारती गाड़ी पीछे से ऐसे ये मच्छी डाइव। अब आपको कुकर वाले ट्रक के अंदर से गेड़ा करवाओ तो सबसे पहले उस्ताद जी आप ये चेक करते हैं फुल टाइम जी मटियो मट्टी इंटीरियर फारियो। उसके अलावा आप देखते हैं यहाँ पे जी स्पाइडरमैन का जाला बना इधर भी और उधर भी उस्ताद जी लगता है किसी ने वटा मार के इसकी विंडस्क्रीन तोड़ दी थी। उसके बाद हमने गाड़ी के अंदर जी साउंड सिस्टम भी लगाया हुआ है ये आप देख सकते हैं ये सिर्फ खटकता है ये बजता नहीं है। उसके अलावा ये देखो जी फ्रेश विंडो एसी फॉर यू। उसके अलावा आप ये डोर कार्ड दे सकते हैं आप इसके पीछे उस्ताद जी मंशियात वगैरह छुपा सकते हैं। सारे लोग परा परा हो जो एवं गाड़ी बिच बजबूज गई तो साड़ा कुछ जाना नहीं तो थोड़ा कुछ बचना नहीं हैशटैग एहतियात जरूरी फॉर यू। थोड़ी घूमी घूमी हो जाए यहाँ पे रशन जा लें तो सबर कर जा सबर कर जा सबर कर जा सबर उन जमील उन वरना जलील उन चल मेरा रशीद गाड़ी घुमा दो शफीक अहमद व्हाट इज दिस बिहेवियर बहुत ज्यादा ग्रिप कर ली इस बार। ये हम पहुंच चुके हैं शादेवाल मार्केट शकीर ऑटोस पे और उस्ताद जी यहाँ पे फिलहाल अभी हुई हुई है 30 मिनट वक्फा बराए खाना उस्ताद जी की डायनासोर खा रहे इतनी देर और मैं शारिकिंग यहाँ पे फिलहाल अभी अपने कुकड़ वाले ट्रक के पीछे उस्ताद जी यहाँ पे लंबे पैक इंजॉय कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं पीछे पीछे तुर दी है आंदन सितारा बिच ने आईफोन 14 प्रो मैक्स तनु की कैंसर हो गया है ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖਾਸ ਹੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਠੀਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 45 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਾਈ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਅੱਲਾ ਅਲਮਾਈਟੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਫਰੈਸ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਫਾਰ ਯੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੀ
देगा। चलो जी पुत्र फोर के गैराज चलिए, फसल स्टार्ट फॉर यू, ब्रांड न्यू शिफ्ट। ओ तो चले फुल वैसी, और तेरी सीट बेल्ट भी कोई नहीं बिच। वेरी नाइस, हमने अपनी लाल सारे का पुराना टूटा छुटा इशारा उतार दिया और उसी जगह हमने फ्रेश नवा आना पीस लशपश इशारा गाड़ी के बीच फिट कर दिया। और ये तुम चेक कर सकते हो उस्ताद जी, लुकिंग वेरी नाइस, पूरा पूरा जी लाइनों के साथ बैठा है। अब हम गाड़ी बाहर निकालने लगे हैं और सीधा जाके बजेंगे चांद इलेक्ट्रिशियन के पास। लाल शराबी के बीच खिड़ी हो गए हैं और अब आपको हैवी शश का टाइम दिखाता हूँ। ये जो शश का टाइम है उस्ताद जी आखिरी बार होने लगा है, इसके बाद जाके हम इसको ठीक करवा लेंगे चांद इलेक्ट्रिशियन से। तो आइए सबसे पहले जी उस्ताद जी, नो चाबी फॉर यू, लग गया साडा पहला स्विच फॉर यू, उसके बाद फ्रेश पुश स्टार्ट फॉर यू। ये देखो जी चेक करो जी, फर्स्ट ऑफ स्टार्ट फॉर यू, चाबी साथ हाथ विच लेकिन गड्डी साड़ी स्टार्ट फॉर यू, फुल हैवी शुष्क है। हम अपनी लाल शरारी लेके पहुंच चुके हैं जी चांद इलेक्ट्रिशियन के पास और यहाँ पे मासा जी बिग स्कैम हो गया, चांद साहब खुद ठोकर गए हुए हैं लेकिन उनके छोटे साथी यहाँ पे मौजूद हैं और ये हमारी जो गाड़ी का काम शाम है वो सारा का सारा कर देंगे। तीन दिन बिछिंदे हमारे लाल शरारी को जुड़े हुए, सबसे पहले शहरी क्योंकि यहाँ पे मैं वर्जिश करवा रहा हूँ, जैसे ही डिग्गी से हाथ उठाएगा इसके ऊपर ही आके बजेगी। उसके अलावा ये जहाँ पे छोटे उस्ताद यहाँ पे हमारी लेटेस्ट चले चालू चालू कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे चांद भाई भी वापस आ चुके हैं ठोकर से और जो चाबी का बेस्ट स्टार्ट होने सिस्टम है उस्ताद जी वो सेटमेट कर रहे हैं यहाँ पे। चांद भाई की हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह यही चांद भाई यहाँ पे सेटमेट है। आपको मैं एक बार फिर बता दूँ, आपको कोई भी इलेक्ट्रिशियन वाला काम शाम करवाना हो अच्छे रेट्स के अंदर तो आप चांद भाई के पास यहाँ पे आ सकते हैं। लाल शरारी के जितने भी इलेक्ट्रिकल काम शाम करवाने वाले थे वो हमने सारे के साथ चांद भाई से करवा लिए। अब हम एक बार फिर जाके बाजें जी फोर के गैराज के ऊपर, उसके बाद फिर हम एक जगह पर जाएंगे अपनी लाल शरारी के लिए फ्रेश बकेट सीट्स देखने। यहाँ पे जी फ्रेश पेट्रोल भी बाहर है, पेट्रोल वाला फिर सड़क घूमे चला गया। ये देखो और चल जाए अल्लाह के बंदे, चल हमारी गाड़ी में पेट्रोल ऐसे डलता है जैसे बाकी लोगों की गाड़ियों में सीएनजी डलती है। मिनट बाद कोमे जे, यहाँ पे थोड़े से चेंज ऑफ प्लान्स हो गए। पहले हमने जाना था लाल जी में फ्रेंड के पास खान क्यों के पर, लेकिन अभी हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड बी इस्लाम फ्रॉम एन ए परफॉर्मेंस के पास, उसके पास जाके हमने शहर की टू जी के लिए नवे टायर लेके आने हैं। उसके बाद फिर हम जा रहे हैं अपने दूसरे फ्रेंड के पास हमजा खिलाफ फ्रॉम शाइन मॉडिफिकेशन के पास, उसके पास जाके हमने अपनी लाल शरारी के लिए बकेट सीट देके आनी है। देखते हैं अगर कोई बकेट सीट पसंद आ गई उसको सीधा चुकना है, हमने अपने कुकड़ वाले ट्रक पीछे छुटना और अपने साथ ले आनी है। शहरी किंग की टू जी के अंदर हमने कौन से रिम्स ठोकने हैं तो उनका आपको मैं दिदार करवाता हूं। तो उस्ताद जी ये चेक करो, जेन्युइन एंड काई RP01 रिम्स फॉर यू। अब इन रिम्स की स्पेक्स क्या है, तो आपकी जो भी रिम्स की स्पेक्स होती है वो इसके पिछवाड़े पे लिखी होती है, पिछवाड़ा आपको चेक करवाऊं। तो उस्ताद जी ये देखो इसके ऊपर यहाँ पर कहीं लिखी होंगी, ये देखो जी ए लिखी है। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ जी 16 मतलब कि ये जो रिम्स है उस्ताद जी 16 इंच के हैं। उसके बाद में लिखा हुआ जी 7 इंच मतलब कि इन रिम्स की जो चौड़ाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है जी 7 इंच की। उसके बाद आपको यहाँ पे नजर आएगा लिखा हुआ 43
जो 43 लिखा हुआ ये इसका पॉजिटिव ऑफसेट है, अगर इसके आगे माइनस होगा तो नेगेटिव ऑफसेट होगा, और यहाँ पे जीरो लिखा होगा तो उसका मतलब होगा जी जीरो ऑफसेट है। 43 लिखा हुआ इसका मतलब ये है कि जो रिम्स की ये वाली हब है ये थोड़ी बाहर वाली साइड पे है, जिसकी वजह से जो रिम्स आएंगे ये फेंडर के अंदर अंदर आएंगे। उसके अलावा उस्ताद जी ये चेक करो जी, जेन्युइन काबली स्टफ आर यू मेड इन जापान। और उस्ताद जी वाह भाई लाइट वेट रिम्स है, आप चेक करते हैं मेरे जैसा बंदा इसको आराम से ऊपर थल्ले कर सकता है। जब भी आपने अपनी गाड़ी परफॉर्मेंस के लिए तैयार करनी है आप अपनी गाड़ी के अंदर लाइट वेट रिम्स इंस्टॉल करें। इससे होता क्या कि आपके इंजन के ऊपर लोड वगैरह कम पड़ता है और आपकी जो गाड़ी होती है वो जो फुल टाइम वैसी किस्म के भागती है। जी काम खराब हो गया, टायर थोड़ा पंचर हो गया जी, आपको देखते हैं यहाँ पे कोई आसपास कोई पेट्रोल पंप है जाके वहाँ वो भरवाते हैं, पंचर लगवाते हैं, नहीं तो जी सारे टायर ने सेवन अप हो जाना जी। और ठीक है कोई उतर गया साथ बिग लॉस, बहुत नाजुक सूरत हाल है। ये देखे जी साडा टायर पड़ गया जी, इतों भी इतों भी एवरीवेयर टायर गॉन फॉर यू उस्ताद जी। टायर जो हमारा चांद पे पहुंच चुका है, चांद मैंने लग नहीं रहा लेकिन टायर हमारा वहां पे पहुंच चुका है। अब थोड़ा सोच विचार करते हैं और देखते हैं फिर हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है। चेक करो फुल हैवी, फुल बड़ा खप्पा, टायर साडा टूटे टूटे हो गया। और यहाँ पे जी हम एक टायर वाली दुकान पे पहुंच चुके हैं, अब जाके देखते हैं उस्ताद जी को रेडी टायर होया वो हम जी अपने कुकर वाले डाले के फिट शीट कर देंगे। फिर हमने फ्रेश इन्वेस्टर रेट के ऊपर एक फ्रेश टपनी फाड़ ली है उस्ताद जी, ओनली 1600 रुपए के अंदर फ्रेश टपनी फॉर यू। लेकिन उस्ताद जी उसने हमें नोजल महंगी दी है, नोजल उसने हमें दी है जी 200 रुपए की। ये आप स्टेशन स्टूशन जाए ना आपको 20 रुपए के मिल जाते, लेकिन जी कोई बात नहीं, वो कहते नहीं डूबते को तिनका का सहारा, हमें ये 1800 का टोटल सेटअप बड़ा अच्छा लग रहा है फिलहाल। अब सीधा जाके बचते हैं अपने फ्रेंड अभी परफॉर्मेंस के पास, उसके पास जाके ये रिमोशिमो के ऊपर टायर शायर चढ़वाते हैं। हम पहुंच चुके अपने फ्रेंड बीच में फ्रॉम एन परफॉर्मेंस के साथ, ये देखें जी यहाँ पे बकरी तैयार शार हो गए, मैं पुत्र तू शादी से जा रहे हैं ये चेक है जी, जुमे की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है, आज जुमा पड़ा है ये जुमा आज पड़ा है, कल ज्यादा रश होता है आज जुमा पड़ा है। और ये हमने इनसे जी फ्रेश टायर चुक लिए, ये देखो जी 195 50 50 16 2006 की डेट वाले टायर बिग हैवी शरी किंग के लिए फुल इन्वेस्टर रेट पे 2006 की डेट के टायर। यहाँ पे हर जगह नेरा ही नेरा है, बिल्कुल मेरे मुस्तकबिल की तरह। उस्ताद जी कहने का भी लाइट गई भी है तो आपके जो टायर्स हैं वो आपकी रिम के ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड हमजा खिला के पास फ्रॉम शाइन मॉडिफिकेशन, उनके पास जाके अपनी लाल शारी की सोनी सी बकेट सीट चेक करते हैं। ये हम पहुंच चुके अपने फ्रेंड हमजा खिला फ्रॉम शाइन मॉडिफिकेशन की तरफ, और अब मैं आप लोगों को इनके कमरे का गेड़ा करवाता हूं। तो आइए उस्ताद जी कमरे के बीच होते हैं तो एट चेक करो जी, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हमारे फ्रेंड हमजा खिला फ्रॉम शाइन मॉडिफिकेशन, और साथ में शरी किंग भी यहाँ पे मौजूद है उस्ताद जी। इसके अलावा आप ये देखें जी आपको पूरा कमरा नजर आ गया, इसके अंदर जो ये गंदा सा गद्दा है इसके ऊपर खुद सोता है, और बाकी कमरे के अंदर देखें जी इन्होंने सारा का सारा गाड़ियों का सामान रखा हुआ है। ये होती है जी कार गैज की जिंदगी के, अपने लिए जगह कम है लेकिन गाड़ियों के लिए उस्ताद जी वादू ही जगह है, मोहब्बत ही मोहब्बत है। अब हमारे काम की कौन सी चीज है, तो एक चीज के ऊपर हमजा खिला बैठे हुए हैं और दूसरे के ऊपर शरी किंग बैठा हुआ है। चाहे मेरा पुत्र उठ जा खड़ा हो जा, पैसे पूरे हो गए हैं। तो उस्ताद जी ये चेक करो जी, हमने अपनी लाल शरारी के लिए इनसे लेनी है RX8 की सीट्स। उस्ताद जी हमें इन्वेस्टर रेट पे सीट्स दे रहे हैं, वेरी गुड रेट है इनका, दसूंगा नहीं मैं आपको। तो ये आप चेक करते हैं जो इस साइड वाली है उस्ताद जी, ये है और कितने गई ये पैसेंजर साइड वो कितने डगी जा रहा है, जो ये वाली है ये पैसेंजर साइड वाली सीट्स है, लेकिन ये वाली है उस्ताद जी ये है जी ड्राइवर सीट और ये है इलेक्ट्रिक, ये तुम देख सकते हो। और ताड़ी खैर ये चेक करो जी इलेक्ट्रिक सीट्स हैं पीछे आगे जो भी चीजें मिली हैं सारी की सारी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हैं। उसके अलावा आपको अपनी गाड़ी के लिए कोई चीज चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमजा खिला ने बाबा सारी चीजें मीजियाँ रखी हुई हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे इंडस के बाबा सारे मुपर नजर आते हैं, उसके अलावा इनके पास 3 पीस में फैब्रिक किट्स भी पड़ी हुई हैं। उसके अलावा ये देख सकते हो जी बाबा सारे स्टार्ट बार पड़े हुए काफी सारी गाड़ियों के इनके पास। उसके बाद आप ये देख सकते हैं जी एक 2000 की बैक वाली डिगी और ऊपर जेन्युइन स्पॉइलर फॉर यू। उसके अलावा ये दो जो चीजें मीजियाँ देख रहे ना ये इन्होंने हमें गिफ्ट किया, काला दिल हफ्सी ब्लैक के लिए, शरी किंग के लिए अंकल मजबूर वाले रंग का। तो अगर आपको भी इस तरह कोई सामान समूह चाहिए, बकेट शीट्स वगैरह चाहिए, देखिए जी और माल भी पड़ा हुआ है इनके पास, सामान इसके पास वादू है लेकिन सारा का सारा अपने कमरे में छुपा के रखता है। ये देखो जी ये चेक करें जी रिबॉन की SI वाली डिग्गी, पूरे के पूरे इनके पास किट पड़ी हुई SI में कन्वर्जन करने वाली। उसके अलावा भी ये देखते हैं इन्होंने यहाँ पे घड़ी लगाई हुई है लेकिन उसको पूरा करने का टाइम नहीं है, बिजी लोग तो इनके जो भी डिटेल्स वगैरह होंगे सारी की सारी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएंगे। आपको कोई भी चीज़ मुझे चाहिए खास तौर पे इंडस के जो सामान है उसकी या फिर टोटा का जो सामान है उसकी, तो आप हमारे फ्रेंड्स हैं मॉडिफिकेशन हमसा खिलाड़ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलो पुत्र चुको RX8 जो सीटा तो सुटो सारे डाले थे पीछे, ने सीटें चुके सुट दी जी अपने डाले के पीछे, और ये देखें जी फायदे फायदे हैं यहाँ पे डालोगे, रिम्स भी अंदर टायर भी अंदर सीटा भी अंदर फुल है निजाम भाई साहब। लो जी यहाँ पे रिहाशा और वहा साहब की टक ऑफ वॉर हो रही है जी 125 वर्सेस CD 70।
और जितनी मर्जी टग ऑफ वॉर करो कोई शरारी में जाके वजना चपेड़े हैं उसे। जो भी समान समून था सारा का सारा चुके हमने अपनी लाश शरारी के बीच कर दिया। तुम वैसे देखो साडा एम्प साडा वूफर साडी आरएक्स सेट वाली सीटा और बाकी जो छत छूत वाला समान समून था सारा का सारा चुके हमने अपनी लाश शरारी के बीच कर दिया। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।